तो गाइस आप सभी को आफ्टरनून, और आप देख रहे करंट कमंडल ब्लॉग। और ये देखिए अभी हम लोग निकलने वाले हैं बारसोई। गाइस मैं अपने भाई को पहुंचाने जा रहा हूं गाइस, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए रास्ते में आप लोगों को मिलता हूं गाइस। मैं अभी टपका में हूं, तो अभी सब स्टूडेंट को साथ में ले रहा हूँ और अभी सब कोई ऑटो में बैठ चुके हैं। अभी मैं निकलने वाला हूँ गाइस, निकल चुके हैं अपने टीचर के घर से और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ गाइस। और सब कोई बैठ गया है, सब कोई बैठ गया। ये देखिए, ये देखिए, ये विशाल सा है, ये नजरुल, और ये बादल है, और ये मेरा भाई है सूरज कुमार मंडल, और ये ड्राइवर है, ये मेरा भाई लगेंगे बड़े भाई, और इधर में एक बड़े भाई है विपुल कुमार मंडल। तो आप लोग वीडियो बने रहिए गाइस, अच्छा लगे तो कमेंट करते चलिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। हम लोग भटवारी थोड़ा से आगे बढ़ चुके हैं सरवासा की ओर, अभी हम लोग सरवासा में गाइस, थोड़ी ही देर में हम लोग पोटिया घाट पहुँचने वाले हैं गाइस। तो मिलते हैं गाइस पोटिया घाट में। और ये देखिए गाइस, मैं बोला था पोटिया घाट में मिलूंगा, लेकिन पोटिया घाट से आगे बढ़ चुका है गाइस। तो अभी मैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस, अभी हम लोग बेलवा की ओर जा रहे हैं गाइस। ये देखिए हम लोग बेलवा पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग बेलवा में है गाइस। तो अभी हम लोग बेलवा गांव से आगे निकल चुके हैं गाइस। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं गाइस। ये देखिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस बारसोई। ये स्टूडेंट है पीछे, इन सभी का एग्ज़ाम चल रहा है, कल से चालू है गाइस एग्ज़ाम, तो आज ही लोग को जाना ज़रूरी है, नहीं तो कल नहीं दे पाएगा एग्ज़ाम, इसीलिए आज जाना ज़रूरी है गाइस। हम लोग सोरिया से आगे आ चुके हैं गाइस, बहुत आगे। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं सोनेली की तरफ, तो अभी सोनेली जाने में हम लोग को 8 किलोमीटर और बाकी है गाइस। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, कुछ नया दिखाने का कोशिश करूँगा आप लोग। तो अभी हम लोग गाइस थोड़ी देर में सोनेली पहुँचने वाले हैं, तो मिलते हैं गाइस सोनेली बाजार में थोड़ी देर में। तो बाजार पहुँच चुके हैं गाइस, देख रहे हैं, ये देखिए बाजार, ये सोनेली बाजार है गाइस। ये देखिए गाइस, काफी ही दूर दूर तक नजर आ रहे हैं मकई। फाइनली गाइस हम लोग बारसोई नहीं पहुंचे हैं, अभी पहुंचे हैं झउआ पुल। तो ये देखिए गाइस, झउआ पुल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं गाइस झउआ पुल। और ये देखिए मेरे पीछे रेलगाड़ी टप रही है, ये देखिए काफ़ी ही शानदार नज़ारा है गाइस। तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए वीडियो में। और ये देखिए गाइस, काफ़ी गहरा पानी है नीचे, ये रहा ब्रिज। तो ये साइड से गाइस रेलगाड़ी जाती है, और इधर भी देख लीजिए गाइस, तो इधर कुछ नहीं है पुल उल। तो अभी झउआ नदी जो ये है, नदी ये सूख चुकी है गाइस, ज़्यादा पानी नहीं है। तो मैं कभी आया था एक बार गाइस, तो पूरा पानी भरा। और अभी हम लोग गाइस झउआ पुल से निकल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दिया गया है और आगे की ओर बढ़ रहा है गाइस। तो अभी हम लोग मिलते हैं गाइस आप लोग इसे थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग गाइस सालमारी पहुंच चुके हैं, और सालमारी से बाहर से ही पहुँचने में अभी लगेगा गाइस 30 मिनट आई थिंक। तो आगे अभी भीड़ है गाइस, ऑटो ही ऑटो दिख रहा है मुझे, तो आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए। अब गाइस आप लोगों से मैं बारसोई पहुंच कर मिलूंगा। फाइनली गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं रूम। तो ये देखिए, ये रहा गाइस सेंटर मौलानापुर, ये गाइस मौलाना नगर है, आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए, ये सेंटर है गाइस, ये देखिए 10th क्लास का एग्ज़ाम इस बार यहीं पे होने वाला है महेश्वरी एकेडमी का स्टूडेंट सबका।
तो अभी चलते हैं गाइस रूम। तो अभी हम लोग रूम की ओर जा रहे हैं गाइस। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए रूम काफ़ी ही शानदार है गाइस। और ये देखिए सभी ठीक ठाक से पहुंच गए हैं। बोल दो तुम लोग कब से एग्जाम है आप लोगों का? कल से। मिलता होगा इस नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और ओके बाय बाय।